हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं आई गेट का पिंक लेमनेड फ्लेवर, जो कि ख़त्म हो गया है। इसको हम रिव्यू नहीं करेंगे आज, आज हम इसको बताएंगे कि इसको रिचार्ज कैसे करना है और रीफिल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम रिचार्ज के बारे में बताएंगे, रीफिल के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो रिचार्ज करने के लिए मैंने योतो की तो वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो आज हम बना रहे हैं आई गेट की। तो क्योंकि मेरे को बहुत सारे DM आ रहे थे कि आई गेट को कैसे ओपन करना है, कैसे चार्ज करना है, तो गाइस आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ना एक ये पॉइंट दिख रहा होगा। इस पॉइंट पे आप कोई भी चीज़ अंदर डालिए ऐसे करके, और इसको ऐसे करके ऐसे खोलना है, तो बहुत इजीली ये खुल जाएगा। ठीक है, ये इसकी कैप है पीछे की, यहाँ से खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से खोलना है। यहाँ से खोलने का तो सेम तरीका है जो मैंने आपको उस पर बताया था, ये खुल गया, यहाँ से दबाया, यहाँ से खुल गया। ठीक है, तो गाइस अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पुश मारना है। इसको जब आप पुश मारोगे तो यहाँ से बैटरी बाहर आ जाएगी। यहीं से पुश मारते रहिए ताकि टूटे ना। तो यहाँ से पुश मार के ये पूरा जो है डिवाइस हमने निकाल ली है। तो पूरी डिवाइस जो है वो ये है, इसके अंदर फ्लेवर डला हुआ है। यहाँ से सिलिकॉन की रबड़ से इसे बंद किया गया है, यहाँ से भी सिलिकॉन से इसको बंद किया गया है। ये हमारी बैटरी होगी, ये वाला प्लस पॉइंट है। हाँ, तो गाइस अब बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सा माइनस पॉइंट है। तो जो इस साइड वाला पॉइंट है ये प्लस पॉइंट है इस बैटरी में, ठीक है। और इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला ये है नेगेटिव, ठीक है। ये आपको बैटरी के ऊपर भी दिख जाएगा, देखिए यहाँ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये 3.7 वॉट की बैटरी है, इसमें से तीन वायर जा रही हैं। तो ये जो ब्लैक वाली है ये नेगेटिव है, जो रेड वाली है ये पॉजिटिव है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपको इसमें इसको रीफिल करना है तो इसको खोल के यहाँ से आप रीफिल कर सकते हैं। अभी इसमें फ्लेवर है तो अभी हम इसको रीफिल नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको रीचार्ज करेंगे। तो रीचार्ज करने के लिए इसको हमें करना क्या पड़ेगा, इसका इसके ऊपर यहाँ पर टेप लगी हुई है, ठीक है। ये टेप उतार के हम इसको साइड पे लगा देंगे, दूसरी साइड भी इसमें टेप लगी है, उस टेप को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये टेप भी हमने निकाल दी है। तो गाइस ये वाला चार्जर है, लास्ट वीडियो में भी मैंने यूज़ किया था, आपको पता ही है कि ये चार्जर आपको कहाँ से मिलेगा। अमेज़ॉन से सर्च कर सकते हैं, मैजिक चार्जर इसको बोलते हैं। तो इसको हमने इस साइड पे रखना है, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये स्टील का पार्ट दिख रहा है जिसमें सोल्डरिंग कर रखी है, वायर सोल्डर की हुई है, इस पर कनेक्ट करना है और इस पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको वन साइड जो है यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है, चाहे आप इसके अंदर डाल दीजिए, इसे कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी साइड क्या है कि ये दूसरी साइड है, इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या है कि बैटरी प्रॉपर आती नहीं है यहाँ पर। तो इसको हमें थोड़ा सा जुगाड़मेंट करना पड़ेगा, इसको खींच के बाहर लाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो देखिए गाइस, तो ये यहाँ पर हमने दोनों तरफ कनेक्ट कर दिया। तो इसमें ये रेड लाइट जल जाती है। तो गैस एक और चीज़ लोगों का सवाल था कि रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट मेरे इस मैजिक चार्जर में है, लेकिन सबके चार्जर्स में अलग अलग लाइट होती है। किसी के सिर्फ रेड लाइट होती है सब में, और किसी के दो में रेड होती है, एक में ग्रीन होती है। तो ये रेड लाइट का मतलब है कि चार्जर कनेक्ट हो गया है, मतलब बैटरी सही तरीके से कनेक्ट की है, तो इसका रेड लाइट जलेगी, ठीक है। और अपना जब ये चार्ज होगा तो ये सेंटर वाला लाइट जो है ये ब्लिंक करेगी, और थर्ड लाइट जब ब्लिंक करेगी जब ये फुल हो जाएगा। इसके ऊपर यह लिखा भी हुआ है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस पर लिखा है पावर और चार्ज CH और फुल FUL लिखा हुआ है। तो गैस अब इसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो इसको चार्ज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें हम जैसे इसको लगाएंगे तो एक ब्लू लाइट जलनी स्टार्ट हो जाती है, देखिए। जब ये हम निकालेंगे तो ये रेड लाइट रहेगी, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये ब्लू लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लू लाइट का मतलब है चार्जिंग हो रही है। तो गाइस इसको थोड़ी देर के लिए हम चार्जिंग होने देंगे, फिर इसके हम चेक करेंगे कि ये चार्ज हुआ है
या स्मोक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए, और कोई भी गाइस आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है अगर आपको इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, कमेंट्स कीजिए कमेंट में। पिछली बार जो है मेरी वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ हमारी डिवाइस जो है वो वर्क करने लगी है, थैंक यू बोल रहे हैं लोग, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली उससे, इसलिए मैंने आई गेट की वीडियो डाली। क्योंकि कुछ लोग जो हैं मुझे DM कर रहे थे कि आपने योतो की वीडियो बना दी है तो आई गेट की भी वीडियो बनाओ, तो इसलिए आज आई गेट की वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस नॉलेज को लेना चाहते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, तो उनको शेयर कीजिए ये वीडियो। और गैज अभी चार्ज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है, स्मोक बनता है कि नहीं बनता है। तो गैज इसको 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से ये चार्ज हो रहा है, तो उसकी चार्जिंग निकाल देते हैं। फुल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने फुल चार्ज नहीं किया, तो इसलिए इसको निकाल देते हैं। तो अभी निकालने के बाद इसकी बैटरी भी हम इसको साइड कर लेंगे, तो इसको अभी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो गैज ये जो था इसके ऊपर जो है ये टेप वगैरह जो है ना, ये जैसे पहले लगी थी वैसे ही लगा लेना, क्योंकि क्या होता है कि इसमें लिक्विड या ये कहीं कहीं पर, ये जो होता है ये स्टील का होता है सारा, तो ये कहीं पर पॉइंट्स कनेक्ट ना हो, तो इसलिए इसको हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ हमने लगा दिया है। अब इसको दोबारा इसके अंदर फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए ये है, ऐसे करके डालना है हमें अंदर। बहुत ईजी है गाइज, ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर ये करना मुश्किल है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कि बॉयज़ जो होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है काफ़ी अपना इलेक्ट्रिकल चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन गर्ल्स का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मोस्टली गर्ल्स का नहीं होता है, बट हाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। तो उनकी वो कह रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, आप कर दीजिए या हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। इसको उसके अंदर डाल दिया, देखिए इसको दबा दिया ये, अभी इसमें पहले लाइट नहीं ब्लिंक कर रही थी, अभी लाइट देखिए तो ही चल रहा है। तो गैस अब इसकी कैप पीछे की हम लगा देते हैं, तो पीछे वाली कैप हमने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पर इसको हम ऐसे करके लगा देंगे, तो जैसे खोला था वैसे ही लगेगा इसको, तो गैस ये अच्छे से हमने फिट कर दिया है, ठीक है। तो इसका स्मोक देखते हैं हम, स्मोक कैसा है। तो गैस अभी तो स्मोक थोड़ा कम है, दोबारा खींच के देखते हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लैक कलर की नोटबुक को यहाँ रखेंगे ताकि आपको स्मोक क्लियर दिखे। तो गैस ये रिफ़िल हो गया है, ब्लू लाइट भी जल रही है, सब कुछ है, तो दोबारा इसका स्मोक खींच के देखते हैं। देखिए स्मोक कितना अच्छा आ रहा है, तो गैस ये बिल्कुल नए वेप की तरह बन गया है जैसा पहले ही था। अब इसमें थोड़ा फ्लेवर कम है, तो हमने भी फ्लेवर रिफ़िल नहीं किया है, लेकिन जब इसका फ्लेवर ख़त्म होगा तो हम इसकी रिफ़िल की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि योतो की हमने वीडियो बना दी है, रिफ़िल की भी, रिचार्ज की भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, योतो की वीडियो मिल जाएगी आपको। योतो 2500 पफ की मैंने अपना रिफ़िल की वीडियो भी बनाई है और रिचार्ज की वीडियो भी बनाई है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो गाइस आई गेट की भी हम बनाएंगे, और आने वाली वीडियोज़ में कौन से वेब की आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ ये भी कमेंट कीजिए, और वेब सोल की भी क्वेरी आ रही है, वेब सोल का भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं, उसकी भी बनाएंगे। तो गैस मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, बस यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच गैस, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं। थैंक यू गैस, बाय बाय।